भारत के लद्दाख क्षेत्र में युवाओं द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा और स्थानीय प्रशासन के लिए पूर्ण राज्य स्तर की प्रति उनके हित को यथार्थ रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सांसद का चयन और क्षेत्र में नौकरी सुरक्षा के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक द्वारा आमरण अनशन और उपवास किया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में युवाओं द्वारा अजमेर के आनासागर चौपाटी के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि लद्दाख की स्वतंत्रता और पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रीय महत्ता को जोड़ देता है। 1500 किलोमीटर दूर से भी समर्थ लद्दाख की आवाज को बढ़ाने के लिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और विशेष जैव विविधता का आनंद लिया जाता है और जहाँ अधिकतर जनजाति जनसंख्या निवास करती है। उन्होंने कहा कि लद्दाख का दृश्य जो ऊंचे पर्वतों और पवित्र जिलों द्वारा विकसित है एक कमल पर्यावरण समानता का प्रतीक है। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत में जीवंत मठवास त्यौहार और प्रकृति के साथ सहज जीवन की गहरी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लद्दाख की सुरक्षा को लेकर सोनम वांगचुक द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और 21 दिन का उपवास भी किया जा रहा है जिसमें आज उनके 17 दिन पूरे हो चुके हैं और लद्दाख की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रखर रूप से उनके द्वारा हमेशा आवाज़ उठाई गई है और उनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। उनकी विचारशील रचनाओं के लिए उन्हें विश्व भर में सम्मान भी प्राप्त हुआ है जिसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल हैं। आज उनके नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की मांग पूरे देश भर में गूंज रही है। वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्थन भी कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान के 6वें अनुक्रम में शामिल होकर अपने जनसंख्या अधिकारों की रक्षा स्थानीय प्रशासन के लिए पूर्ण राज्य स्तर की प्रति उनके हितों को यथार्थ रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसदों की मांग भी की जा रही है। कि हम एक बार हमारे एनवायरनमेंट के प्रति भी जागें। हम काफ़ी हद तक हमारे धर्म के कल्याण के लिए हम काफ़ी नेक कार्य कर रहे हैं और काफ़ी नेक कार्यों में जुड़ रहे हैं, पर अब यह समय है कि धर्म के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ हम हमारे पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि यह वो समय है कि अब यह समय निकल गया, उसके बाद पर्यावरण को संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होगा, क्योंकि जैसे बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, उसके बाद जो भयंकर सूखा पड़ेगा, तो उस तरफ ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार नागरिक इस पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ लद्दाख के लिए संकट नहीं होगा, यह हमारे हर नागरिक के लिए संकट का एक विषय बन जाएगा और ये हमारे ही लिए नहीं पूरे विश्व के लिए और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए ये एक गहन मुद्दे की बात है। तो कृपया करके अब एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और लद्दाख को सपोर्ट किया जाए ताकि वहाँ के ग्लेशियर्स को भी संरक्षित किया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? रोहित गौतम। ये एक हमारा छोटा सा प्रोटेस्ट है जो कि हम अजमेर में कर रहे हैं। लद्दाख की जो वासी है हमारे, जो लद्दाख में रहते हैं, जो लेह लद्दाख में रहते हैं, जिसमें से एक सोनम वांगचुक नाम से एक एजुकेशनिस्ट है, वो काफ़ी मतलब 3-4 सालों से इस सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए। तो उसमें कुछ मांगे जैसे स्टेटहुड है और एक 6th शेड्यूल है, तो ये 2-3 मांगे हैं जो कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टोज में डाली भी, लेकिन उनको मतलब पूरा नहीं किया। तो अभी भी जो लद्दाख में सोनम वांगचुक जो हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 दिन का आमरण फास्ट उनका हो रहा है और उस फास्ट में उनका आज 17वां या फिर 18वां दिन है और उन्होंने सबसे अपील करी है 24th मार्च को कि सब अपने अपने सिटीज़ में एक क्लाइमेट फास्ट करेंगे। तो कोई एक पूरा दिन का कोई फास्ट कर रहा है, कोई सिर्फ 1-2 घंटे का, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो सब अपने अपने स्तर पे कोई सर, लेकिन सबको पीसफुल प्रेस करना है, शांति से आप प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी हायतोबा नहीं करनी है। तो हम भी वो चाहते हैं और हम ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं ये हम आनासागर लिंक रोड पे कर रहे हैं, चौपाटी के सामने। कितने लोग आपसे हैं? कितने लोग? हम 4-5 लोग हैं अभी यहीं पे, बस यही लोग हैं। आपका नाम? अक्षय खत्री। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO टाटा पावर अजमेर। आप सभी अजमेर वासियों को टाटा पावर अजमेर प्रबंध की तरफ से होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि होली के पवित्र रंगों जैसे ही आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग सदा भरे रहे। होली के त्यौहार पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए टाटा पावर प्रबंधन ने
माकूल इंतजाम किए हैं। सभी जोनल टीमें फील्ड में पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहेगी। मैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी बिजली की व्यवस्था पर देखरेख करेंगे। साथ ही एक अनुरोध, टाटा पावर से जुड़े रहते हुए आप सभी बिजली संबंधित सेवाओं के लिए TPADL के डिजिटल माध्यमों का, जैसे व्हाट्सएप सेवा, मोबाइल ऐप, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, इसका काफ़ी उपयोग करें। आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।